जय माता दी। अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत। 100% वशीकरण, और वो भी फोटो देखकर, वाह भी वाह, ये तो कमाल ही हो गया। इस प्रकार के इश्तहार, इस प्रकार की बातें, इस प्रकार की YouTube से मिलने वाली बहुत सी चीजें आपको मिल जाएंगी। दोस्तों, अब इसे सुनकर आपको बहुत अच्छा लगता होगा। मेरे बहुत से दोस्त ऐसे हैं जिनका मेरे पास फोन आता है कि गुरुजी एक वशीकरण करवाना है, आप अपने पैसे बताएं। दोस्तों, अब मैं मन ही मन क्या सोचता हूं उनके बारे में। मैं हकीकत में बता चुका हूं बहुत पहले कि इस प्रकार का वशीकरण कोई फोटो के द्वारा या किसी के नाम से नहीं हुआ करता है। दोस्तों, अब मैं इन सब की पोल खोलने जा रहा हूं। दोस्तों, पता नहीं कितने पैसे बर्बाद कर चुके हैं ये मेरे प्यारे भाई अपने इसी वशीकरण के चक्कर में। दोस्तों, अगर यह इतना आसान होता तो हमारे देश के बॉर्डर पर हमें सेना लगाने की आवश्यकता क्या थी भाई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का फोटो तो इन सब के पास होता है ना कि नहीं होता है, आप बताएं दोस्तों। और यदि इनको पैसे ही चाहिए तो बताइए ये कितने पैसे लेंगे भाई। कर दे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पर वशीकरण, अरे बॉर्डर पर कोई फोर्स ही नहीं रहेगी। अरबों खरबों रुपया खर्च होता है दोस्तों हमारे इस रक्षा बजट पर। दोस्तों, चाइना के प्रधानमंत्री पर कर दे वशीकरण, कर दे, किसके पास फोटो नहीं है। दोस्तों, हमारी देश को तोड़ने के लिए ये आतंकवादी जिनके लिए हमारा कितना पैसा खर्च करता है उनसे अपने देश को बचाने के लिए। दोस्तों, किस आतंकवादी की फोटो नहीं है इनके पास तो फिर, और कितने पैसे चाहिए दोस्तों, चलो मेरे से बताइए, मैं दूंगा वो पैसे। बात तो करें और कर दो वशीकरण, वो अपने आप आत्मसमर्पण कर देंगे तो राम राज्य ही तो हो जाएगा ना। दोस्तों, इन बातों पर गुमराह ना हो, आज मैं इनकी सच्चाई बताने जा रहा हूं जिससे मेरे बहुत से भाई जो अपना इतना पैसा एक जगह फिर दूसरी जगह फिर पता नहीं कितनी कितनी जगह दे चुके हैं लेकिन उन्हें किसी से कोई वशीकरण नहीं मिलता, मेरे पास भी फोन आते हैं, गुरुजी हमने इतने पैसे बर्बाद कर दिए, आप ही कुछ कीजिए। ऐसा अगर संभव होता तो दोस्तों इस दुनिया में ये नियम बदल जाते। ईश्वर ने कहा है कि मैंने हर व्यक्ति को स्वतंत्र बनाया है और वह स्वतंत्र ही काम करेगा, फिर उसका फल मैं अपने हिसाब से देता हूं कि वो गलत करता है या अच्छा करता है। दोस्तों, फिर जब उनके पैसे चले जाते हैं ना, तब अब वो किसी को बता भी नहीं सकते, अब वो पब्लिश भी नहीं कर सकते कि मेरे इतने पैसे चले गए हैं, अब नहीं बताते। तो इसी कारण से उनका मनोबल भी बढ़ने लग जाता है जो यह कार्य आपको बहला फुसला करके मीठी बातें बना करके करते हैं। और यदि आप उनसे बार बार में डायरेक्ट बात करते हैं तो उनका फोन ही स्विच ऑफ आएगा या आपसे और पैसे की डिमांड कर देंगे, इस काम में थोड़ी कमी रह गई है, फिर ये करवाएं, फिर ठीक हो जाए। दोस्तों, आप समझदार हैं, वशीकरण
एक ऐसी क्रिया है जो इतनी आसान क्रियाओं में नहीं आती और ये किसी के द्वारा नहीं की जाती है, नहीं की जाती है, नहीं की जाती है। इसको कान खोल करके सुन लेना। यदि आप कान खोल करके सुन लोगे और इसे अपना लोगे तो जीवन में आपका एक मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, और यदि नहीं सुनोगे, इस कान से सुनकर इस कान से निकाल दोगे, तो फिर छह मत।